हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज फाइनली यूट्यूब पर कार्तिक आर्यन की न्यू अपकमिंग मूवी का टीज़र अनाउंसमेंट हो चुका है। टीज़र कैसा था, अच्छा था, बुरा था, सारी इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक देखना। अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कार्तिक आर्यन की शहजादा फिल्म का टीज़र अनाउंसमेंट हो चुका है और एक मिनट का ये टीज़र था, देखकर काफ़ी अच्छा फील हुआ। कार्तिक आर्यन वैसे तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने अपनी लास्ट फिल्म भूल भुलैया 2 में भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी की थी। इस मूवी का एक्शन देखकर जो है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और देखने से लग रहा है कि इस फिल्म में एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें कृति सेनन भी हमें देखने को मिलेंगी। रोहित धवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और हसन दलाल ने इस फिल्म को राइट किया है और ये बहुत ही कमाल की मूवी होने वाली है। इस फिल्म का जो वेट है वो काफ़ी टाइम से इस फिल्म का वेट हो रहा है। सुनने में आया था कि इसी साल के नवंबर में इस फिल्म को जो है देखने को मिलेगी, लेकिन किसी वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन कर दी गई और अब इस फिल्म की जो डेट निकल के आई है वो है 10 फरवरी 2023, यानी अगले साल की फरवरी महीने में 10 तारीख को हमें ये मूवी देखने को मिलेगी। वेल गाइस, देखना ये है कि ये फिल्म बायकॉट के धब्बे से बच पाती है कि नहीं, क्योंकि आज ही टीज़र अनाउंसमेंट हुआ है और आज ही इस फिल्म को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया है लोगों ने। इस फिल्म की जो लोग हैं, इस फिल्म के लुक को, इस फिल्म के एक्शन को, इस फिल्म के म्यूज़िक को लेकर बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। हालाँकि इस फिल्म का मजाक भी बनाया जा रहा है। कुछ तो लोग कार्तिक आर्यन के एक्शन सीन्स को अल्लू अर्जुन के एक्शन सीन से जो है कंपेयर कर रहे हैं, उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और अभी से जो है बॉलीवुड और साउथ के बीच में एक जो लड़ाई बहुत टाइम से चल रही है बायकॉट वाली, वो शुरू हो गई है। तो देखना ये है कि बायकॉट के दौर में ही भूल भुलैया 2 आई थी, जो कि बहुत सुपरहिट मूवी रही थी। तो अब देखना है क्या इस बार भी कार्तिक आर्यन इस बायकॉट के धब्बे से बच पाते हैं कि नहीं। वो अच्छे एक्टर हैं ये तो हम जानते ही हैं और वो अपनी हर मूवी में कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है। एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है शहजादा, तो देखते हैं कि इस मूवी को कितना अच्छा सपोर्ट मिलता है। सो वेल, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड बायकॉट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस बात को जो है दृश्यम 2 ने साबित किया है। दृश्यम 2 एक रीमेक होने के बावजूद इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी कमाई की है। अजय देवगन की जो दृश्यम 2 है इसने बहुत ज़्यादा कमाई किया है। तो अब देखना यह है कि कार्तिक आर्यन की शहजादा मूवी, जो कि ओरिजिनल मूवी है, जो कि एक फ्रेश कंसेप्ट है, एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी मूवी है, इस मूवी को कितना अच्छा सपोर्ट मिलता है और कैसा सपोर्ट मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। सो 10 फरवरी 2023 इसकी रिलीजिंग डेट है और इसको बायकॉट बिल्कुल भी नहीं करना। सो वेल, देखते हैं कैसी मूवी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलता हूँ आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।